सो गाइज आज हमारे पास है मोस्ट डेंजरस एसिड, जो कि आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड के प्रैक्टिकल्स करने के लिए ज़रूर यूज़ किया होगा, और आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है कि एसिड कितना खतरनाक हो सकता है। और इस पर वर्क करते हुए अगर आप लोगों ने सावधानी नहीं बरती तो एक अच्छे खासे लेवल तक आप लोगों को हानि पहुँचा सकता है। सो द नेम ऑफ दिस एसिड इज़ सल्फ्यूरिक एसिड, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है H2SO4, जो कि सल्फर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक वार्निंग देना चाहूँगा कि आप लोगों को ऐसा कुछ भी घर पर ट्राई नहीं करना है, और कभी सोचना ही मत कि भाई सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया जाए। अब इसकी कुछ खासियतें हैं जो कि इसको इतना ख़तरनाक बनाती हैं। गाइस ये इतना हजार्डियस है कि अगर गलती से आप लोगों की स्किन पर गिर जाता है तो आपकी स्किन को बर्न यानी कि जला सकता है, और यहाँ तक कि अगर गलती से आपके ब्लड टिश्यूज़ के संपर्क में आ जाता है तो आपके ब्लड टिश्यूज़ को भी डैमेज यानी कि ख़त्म करने की हिम्मत रखता है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कुछ वार्निंग्स लिखी हुई है, तो आप लोग इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना ख़तरनाक एसिड है। सो गाइस आज हम लोग जितने भी एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं वो सारे के सारे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करने वाले हैं। सो गाइस आप लोगों ने एक मिथ सुनी होगी कि अगर कोई बंदा एसिड के संपर्क में आ जाता है तो उसके एसिड वाले सरफेस पर दूध डाल देना चाहिए, तो ये मिथ कितनी सच है कितनी झूठ है ये हम आगे वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम लोग करने वाले हैं सल्फ्यूरिक एसिड वर्सेस चिकन। इस चिकन को हम डुबोने वाले हैं सल्फ्यूरिक एसिड में पूरा का पूरा, और फिलहाल के लिए हम इस चिकन को समझ लेते हैं अपनी स्किन। लेकिन ये सब कुछ करने से पहले सेफ्टी फर्स्ट। अब हम इस जार में सल्फ्यूरिक एसिड भर लेते हैं। तो गाइज हमने अपने जार में 100 ml सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया है। अब हम इस लेग पीस को इसमें डालेंगे और देखते हैं भाई क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो गाइज अभी सिर्फ 2 ही मिनट हुई हैं और आप लोग लेग पीस का हाल देख सकते हो, भाई पूरा काला कर दिया है, और यहाँ पे भाई काफ़ी हॉट है, ऐसा लग रहा है भाई कोई हांडी में पका रहा है। और अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको 6-7 मिनट के लिए और रखते हैं। ये बचा है सिर्फ लेग पीस में, हमने पूरा लेग पीस डाला था लेकिन पूरा ख़त्म। आप लोग इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो हमारा लेग पीस पहले क्या था और अब क्या है सल्फ्यूरिक एसिड में डालने के बाद। लेकिन अगर हमारी स्किन होती इसकी जगह तो आप लोग ये भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या हाल होता हमारी स्किन का। जब ये मसल्स वाले लेग पीस का ही इसने ये हाल कर दिया तो हमारी स्किन का क्या हाल होता। इस एक्सपेरिमेंट के बाद हम लोगों को इतना पता चल गया कि हमारा सल्फ्यूरिक एसिड कितना ख़तरनाक हो सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने पीछे वीडियो में बोला था कि एक मिथ होती है, अगर कोई बंदा एसिड की चपेट में जाता है तो उसके एसिड वाले सरफेस पर दूध डाल देना चाहिए। अब हम उस मिथ को भी चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास है दूध और ये सल्फ्यूरिक एसिड है जो कि मैंने इस परख नली में कर रखा है, और यहाँ पर फिर से एक और लेग पीस लेने वाले हम लोग, और ये है हमारा ड्रॉपर। सबसे पहले हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड नीचे रख लेते हैं, और हम लोग इतना दूध वेस्ट नहीं करेंगे तो हम इस दूध को जो है इस परख नली में कर लेंगे। तो गाइस इस एक्सपेरिमेंट को हम 2 स्टेप्स में करने वाले हैं। पहली स्टेप में हम इसके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, उसके 2-3 सेकंड बाद हम दूध डाल देंगे। फिर दूसरी स्टेप में फिर से सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, उसके 1 मिनट बाद पड़ोसन का दूध डाल देंगे। पड़ोसन से मांगा हुआ दूध डाल देंगे, और तब देखते हैं कौन सी स्टेप में हमारे लेग पीस को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। हम सल्फ्यूरिक एसिड 1-2 ड्रॉप डाल देते हैं अपने लेग पीस के ऊपर। सो ये हो गया हमारा 1-2 ड्रॉप, और अब डाल देते हैं दूध। अभी कुछ बबल्स कुछ रिएक्शन तो नहीं की है वैसे इसने। सो गाइस जैसे ही हमने इस पर सल्फ्यूरिक एसिड डाला उसके 2-3 सेकंड बाद हमने दूध डाला, तो यहाँ पे कुछ अच्छा खासा डैमेज नहीं हुआ हमारे सल्फ्यूरिक एसिड ने, कुछ भी यहाँ पे डैमेज नहीं दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दूध डालने के बाद जो सल्फ्यूरिक एसिड था वो वीक पड़ गया। इस स्टेप से हमें ये पता चलता है कि अगर कोई व्यक्ति एसिड की चपेट में जाता है तो हमें एसिड डालने के कुछ सेकंड बाद ही दूध डाल देना चाहिए एसिड वाले सरफेस पर। ऐसा करने से हम उसको भारी नुकसान से बचा सकते हैं। अब आते हैं हम दूसरी स्टेप पे। हम इसके ऊपर 1 मिनट के लिए एसिड डाल के ऐसे ही छोड़ देते हैं। सो ये रहा हमारा सल्फ्यूरिक, भाई ये डल चुका है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, थोड़ा नवा भी देते हैं इसको भाई, 1 मिनट के लिए छोड़ना है। गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमने सल्फ्यूरिक एसिड के 1 मिनट बाद दूध भी डाला, लेकिन यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स नहीं लगे। उससे पहले हमारे सल्फ्यूरिक एसिड ने इसका सत्यानाश कर दिया। हमारी जो स्किन होती है वो काफ़ी सेंसिटिव होती है, तो आप लोग ये मत सोचना कि इस पर तो कुछ अच्छा खासा डैमेज नहीं पहुँचा, अगर हमारी स्किन पर गिरता तो काफ़ी ज़्यादा हमें डैमेज देता। तो गाइस यही था हमारा H2SO4, और आप लोग कभी सोचना मत कि एसिड के साथ वर्क करो। तो मिलते हैं और किसी वीडियो में, अभी तक के लिए टाटा बाय बाय।